हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास भी रियलमी का स्मार्टफोन है या आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है, आप बिना कॉल लॉक दबाए या बिना नंबर डायल किए हुए कैसे किसी के पास कॉल करेंगे। जैसे कि किसी के पास कॉल करने के लिए कॉल लॉक में जाना पड़ता है, उसके बाद नंबर किसी को सिलेक्ट करके कॉल करना पड़ता है। तो आप बिना नंबर डायल किए और बिना कॉल लॉग में गए और आपका फ़ोन का स्क्रीन ऑफ रहेगा, जैसे कि इस तरह से रहेगा, आपका फ़ोन का स्क्रीन इस तरह रहेगा, फिर भी आप किस तरह से आप कॉल कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिना नंबर डायल किए बिना कॉल लॉग में गए कैसे कॉल किया जाता है। जैसे कि ये मेरा फ़ोन का स्क्रीन है जो ऑफ है और हम किसी के पास कॉल करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एम लिखते हैं, उसके बाद किसी के पास कॉल लग जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एम टाइप की और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी के पास कॉल लग गया। तो आप इस तरह से अगर कॉल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वो सेटिंग करना पड़ेगा। तो मैं सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्वेंस टूल्स का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे ऐड गेस्चर पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद एम डब्ल्यू साइड राइट साइड लेफ्ट साइड डाउन साइड अप और ड्रा, उसके बाद यहाँ पे ड्रा एम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि आप एम को टाइप करेंगे तो फोन अनलॉक होगा या कॉल लगाएंगी स्टार्ट एन ऐप, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कॉल का यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो सिंपली आपको यहाँ पे कॉल पे ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट आ जाएगा। आप जो भी पर्सन का कॉल करना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ पे सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक पर्सन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंपली नंबर पे क्लिक कर देना, चूज नंबर पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि ड्रा एम लिखा आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे बैक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कट कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हम बिना कॉल लॉग में गए बिना नंबर डायल किए यहाँ पे कॉल लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एम सिर्फ टाइप करना, उसके बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कॉल लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे आपकी टाइम की बचत होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।